हेलो बच्चों, माँ शारदे स्टडी पॉइंट में सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ तो बेटा, ये फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास के लिए सेंथेसिस चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 15 है, ठीक है। इसमें हम सिखाएंगे आपको कंडीशन, इससे पहले और भी कंजक्शन सिखा चुके हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है आपका, सबॉर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से कैसे कंबाइंड करते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 है कंडीशन यानी शर्त। शर्त प्रकट करने वाले क्लूज को इफ कॉमा वेदर कॉमा अनलेस से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे सेपरेट वाक्य दिया है आपका, डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लॉस योर हेल्थ। डू नॉट वर्क टू मच, अधिक कार्य मत करो, अधिक कार्य मत करो, यू विल लॉस योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा यानी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि यदि आप ज्यादा कार्य करोगे तो आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो इफ, इफ से जोड़ेंगे, इफ यू वर्क टू मच कॉमा यू विल लॉस योर हेल्थ, फुल स्टॉप। इफ यू वर्क टू मच, यदि आप ज्यादा कार्य करोगे, यू विल लॉस योर हेल्थ, तो आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा, अंडरस्टैंड। रूल नंबर 5 पर है बेटा कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी तुलना, तुलना के लिए देन कॉमा सो डॉट डॉट एच कॉमा सो डॉट डॉट एच कॉमा सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देन का मतलब से और सो डॉट डॉट एज, इसका प्रयोग नेगेटिव के लिए करते हैं और एज एज का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, ठीक है। और सो इसलिए, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सरला भी बराबर सुंदर है, यानी दोनों बराबर सुंदर हैं, ठीक है, दोनों समान रूप से सुंदर है, दोनों एक ही तरह से। तो तुलना किससे हो रही है, सीता की सरला से, सीता भी सुंदर है और सरला भी सुंदर है, तो सरला भी उतनी सुंदर है जितनी के सीला सीता है, तो सरला, सरला लिखेंगे पहले, सरला इज एज ब्यूटीफुल, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज, ठीक है, एज सीता इज, जितने की सीता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है बेटा, ही इज क्लेवर, वो है चालाक है, हिज ब्रदर इज नॉट सो क्लेवर, उसका भाई इतना चालाक नहीं है, ठीक है। तो कंबाइंड करेंगे इसे, बाद वाला वाक्य पहले लेंगे, हिज ब्रदर इज नॉट सो क्लेवर, यानी उसका भाई इतना चालाक नहीं है, हिज ब्रदर इज नॉट सो क्लेवर, ठीक है, उसका भाई इतना चालाक नहीं है जितना कि वह है। एज, ये नेगेटिव में सो एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सो एज, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट के बाद सो आएगा, नॉट सो क्लेवर एज ही एज, ठीक है। अथवा कंपरेटिव में बना सकते हो उसे, ठीक है, जैसे ही इज क्लेवर तो इसे यहीं रहने देंगे, यानी इसमें कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे, तो जैसे ही इज क्लेव क्लेव क्लेवर सी एल ई वी ई आर क्लेवरर कर देंगे, ई आर जुड़ जाता है, ठीक है, ही इज क्लेवरर और फिर देन का प्रयोग करते हैं, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, यानी वह अपने भाई से अधिक चालाक है, वह अपने भाई से अधिक चालाक है, ठीक है। नोट करें इसे, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे नोट डाउन करें, ठीक है बेटा। अगर ये हमारे वीडियो पसंद आते हैं तुम्हें तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।